सो बेटा एसपी टू का यहाँ पे मतलब होगा कि जो हेलोजन अटैच हुआ है दैट इज अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसपी हाइब्रिडाइजेशन? इसका मीनिंग होगा द हेलोजन अटैच्ड टू ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम. सो वी क्लासिफाई द हेलो एल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इनटू थ्री टाइप्स, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन. sp3 का मतलब ये होगा जो हेलोजन अटैच्ड किया है, दैट इज अटैच्ड टू सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम. इन sp2 हेलोजन अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम एंड इन sp हेलोजन अटैच्ड टू ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम. अब बेटा इनकी जो फर्दर टाइप्स है वो हम पढ़ेंगे. तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन हेलो एल्केन्स आर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स. फर्स्ट इज एल्काइल हैलाइड, सेकंड इज बेंजाइल हैलाइड, थर्ड इज एलाइल हैलाइड एंड फोर्थ इज प्रोपार्जियल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड एंड प्रोपार्जियल हैलाइड. ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन देर आर ऑल्सो टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज एराइल हैलाइड, सेकेंड इज विनाइल हैलाइड. और इसकी बेटा कोई टाइप नहीं है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम की. सो अब मैं आपको ये वन बाय वन समझाती हूँ सारी, ध्यान से देखिए. सबसे पहले बेटा एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड तो आपने पहले भी पढ़ लिया, हेलो एल्केन ही है. तो एल्काइल हैलाइड का तो मतलब ही ये होता है बेटा डायरेक्ट आपका सिंगल बॉन्डेड कार्बन से क्या जुड़ रहा है, हेलोजन. तो आप सिर्फ इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ये है CH3Cl. यहाँ पर Cl है वो किससे जुड़ रहा है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से. जैसे ये है CH3CH2Cl, यहाँ पे किससे जुड़ रहा है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ रहा है. अब मान लो कोई साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे कि ये है साइक्लो एल्केन है, इस पर जोड़ दिया मैंने Cl. तो आप देखो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसके तो सारे बॉन्ड सिंगल है ना, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ. मान लो मैंने ऐसा कुछ ले लिया, इस पे लगा दिया Br, तो ये भी क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. मीन्स ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, एल्काइल हैलाइड के. नाउ सेकंड आपका है बेंजाइल हैलाइड. बेटा बेंजाइल हैलाइड क्या होता है, ध्यान से देखिए. बेंजीन रिंग हमने बनाई यहाँ पे. आपको पता है बेटा बेंजीन रिंग में थ्री अल्टरनेट क्या होते हैं, डबल बॉन्ड. तो कुल मिला के 6 के 6 कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहे हैं. मतलब सारे के सारे कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. लेकिन जो बेंजीन रिंग है हम उसके नेक्स्ट एक कार्बन लगा दें और उस नेक्स्ट कार्बन पर हम एक हेलोजन अटैच कर दें. बेंजीन रिंग के साइड चेन वाले कार्बन से हमने क्या अटैच कर दिया, हेलोजन. तो बेटा आप देखो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन के तो चारों बॉन्ड सिंगल ही है ना, उस कार्बन के तो चारों ही बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल है. तो बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन से जब हेलोजन जुड़ता है तो उसको बोलते हैं बेंजाइल या बेंजाइलिक हैलाइड. थर्ड आपका है एलाइल हैलाइड. अब एलाइल हैलाइड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलाइल हैलाइड? तो इसको आप समझे बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये मैंने दो कार्बन यहां पे लगाए, दोनों आपके डबल बॉन्डेड है. इससे नेक्स्ट कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, इस पर हेलोजन जुड़ा हो. डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर क्या जुड़ा हो, हेलोजन. बेटा यहां देखिए ये दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड है, ये इससे नेक्स्ट कार्बन है. तो जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है उसके तो सारे बॉन्ड सिंगल ही है ना, मतलब ये कार्बन तो अब भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है. तो ये सब sp3 के एग्जाम्पल है, क्यों,
सभी में हेलोजन जुड़ तो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से ही रहा है ना, तो ये भी आपका क्या हुआ, एलाइल हैलाइड हुआ। एलाइल हैलाइड क्या होता है, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हो। अब इसी का बेटा एग्जाम्पल एक और देखो, जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन है ये, और मैंने यहां लगा दिया एक्स। तो बेटा इस बार ये कंपाउंड कैसा है आपका, एलाइल बेटा बताओ, साइक्लिक कंपाउंड है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन है, और नेक्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ रहा है, हेलोजन। तो ये क्या होता है, एलाइलिक हैलाइड होता है। और फोर्थ आपका है प्रोपार्जियल हैलाइड, और प्रोपार्जियल हैलाइड का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे। ये आपका ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, इसकी फोर वैलेंसी पूरी होगी, ये दोनों ही कार्बन कैसे हैं, ट्रिपल बॉन्डेड है, ये हुआ इसका नेक्स्ट कार्बन, और हमने उस पर क्या जोड़ दिया, हेलोजन जोड़ दिया। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से क्या जोड़ दिया, हेलोजन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपार्जियल हैलाइड। सो ये बेटा आपकी चार टाइप में हमने क्लासिफाई किया है हेलो एल्केन को ऑन द बेस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पहला था एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या होता है कि डायरेक्ट सिंगल बॉन्डेड कार्बन है उससे हेलोजन जुड़ रहे हैं। बेंजाइल क्या होता है, बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन से हेलोजन जुड़ रहे हैं। अलाइल क्या होता है, चेन में या साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन जुड़ रहा है। और प्रोपार्जियल में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है। सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्काइल हैलाइड। सो अब बेटा हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हमने यहाँ कैसे क्लासिफाई किया है बेटा कंपाउंड्स को। तो फर्स्ट टाइप आप देखिए अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड तो हमने कल भी पढ़ा था, हेलो अरीन ही होता है। अराइल हैलाइड का मतलब तो क्या होता है, हेलो अरीन ही तो होता है। तो हेलो अरीन क्या होता है कि डायरेक्ट आपका बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड है, सारे के सारे कार्बन कैसे हैं, डबल बॉन्डेड है, इसी से हमने कोई हेलोजन जोड़ दिया, मान लो Cl क्लोरोबेंजीन। तो आप ये देखो बेटा, यहाँ पर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है Cl, उस कार्बन का एक बॉन्ड कैसा है, डबल है, मतलब उस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट कैसी है, sp2 है। तो ये आपका अलाइल हैलाइड हुआ, अराइल हैलाइड। ऐसे मान लीजिए मैंने ये लिया बेटा, बेंजीन पे I जोड़ दिया, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, ऐसे आप सर्कल से दिखाओ, तीन डबल बॉन्ड दिखाओ अल्टरनेट, बात तो एक ही होती है। तो ये भी आपका क्या हुआ, अराइल हैलाइड हुआ। फिर आपका है विनाइल हैलाइड। अब विनाइल हैलाइड का मतलब क्या होता है, चेन में डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही हेलोजन जुड़ जाए, मान लो कुछ ऐसा है, ये आपके दो कार्बन है, दोनों ही डबल बॉन्डेड है, इस कार्बन की मैंने फोर वैलेंसी पूरी कर दी, ये नेक्स्ट कार्बन है, इस पर मैंने क्या जोड़ दिया, हेलोजन। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही जब हेलोजन जुड़ेगा तो उसको आप क्या बोलोगे, विनाइल हैलाइड, उसे आप क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड बोलेंगे। बात समझे बेटा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से क्या जोड़ दिया, हेलोजन। अब मान लो नेक्स्ट एग्जांपल आपका ये है, इसको देखिए आप, ये कार्बन कैसा है, एक बॉन्ड डबल है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, और डायरेक्ट मैंने डबल बॉन्डेड कार्बन से क्या जोड़ दिया, हेलोजन। तो ये आपका विनाइलिक हैलाइड हुआ। अब इन दोनों में फर्क क्या था, यहाँ डबल बॉन्ड वाले कार्बन का नेक्स्ट कार्बन है सिंगल बॉन्डेड, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्डेड ही कार्बन एटम है, तो ये आपका विनाइलिक हैलाइड हुआ। और थर्ड आपका था बेटा ऑन द बेस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है, बस इतना ही है कि डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट आपका ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो देयर आर द थ्री टाइप्स, sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 का मतलब ये होगा जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके सारे बॉन्ड आपके सिंगल होंगे। sp2 का मतलब होगा जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्डेड होगा, और sp का मतलब होगा जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो ट्रिपल बॉन्डेड होगा। ठीक है, तो ये तीन टाइप आपकी थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। बेटा प्रोपार्जियल का यूज बहुत कम होता है, मैक्सिमम आपका यूज होगा बेंजाइल का और अलाइल का। सो एल्काइल हैलाइड, डायरेक्ट सिंगल चेन कार्बन से हेलोजन जुड़ गया, बेंजाइल में बेंजीन रिंग वाले से नेक्स्ट कार्बन से हेलोजन जुड़ गया, अलाइलिक में बेटा ओपन भी हो सकता है क्लोज भी,
लेकिन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड होगा उससे हेलोजन जुड़ेगा, और प्रोपार्जियल में ट्रिपल बॉन्डेड वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से हेलोजन जुड़ेगा। दो टाइप के sp2 के बेस पे थी, अराइल डायरेक्ट बेंजीन रिंग से हेलोजन जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक कंपाउंड है, और विनाइल में क्या होता है, चेन में या साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो ये आपका टॉपिक पूरा हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स का।